में रीसेस का टाइम था। मैं अपने क्लास की कुछ लड़कियों के साथ थी। वे सब स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने के लिए खरीदने की सोच रहे थे। जब वे कैंटीन के पास पहुंचे तो मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की ने मुझे कहा कि थोड़े पैसे तो लेकर स्कूल आया करो। फिर वे चले गए और मैं किसी कोने को खोजते हुए चली गई। उस दिन के बाद स्कूल की रिसेस के वो 30 मिनट मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। मैं हमेशा से यही सोचती कि ये 30 मिनट जल्दी से निकल जाए। रिसेस में मैं हमेशा स्कूल के किसी कोने में अकेली बैठी रहती और इंतजार करती कब बेल बजेगी और मैं क्लास में जाऊंगी। स्कूल के बाद मुझे जल्दी से घर भी पहुंचना होता था क्योंकि मेरी माँ काम पर जाती थी और मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना पड़ता था। कई बार तो मेरी माँ मेरी छोटी बहन को अपने साथ ही स्कूल ले आती थी ताकि मैं उसे लेकर घर जा सकूं और माँ अपने काम पर। दोस्तों, यही है एक गरीब की सच्चाई। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और अगर हो तो वो भी गरीब ही होता है। एक गरीब की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। एक बार हमारे घर में सिर्फ 4 दाने चावल के थे। मेरी माँ ने उनको पकाने को रखा। माँ जानती थी कि सिर्फ 4 दाने चावल से किसी का पेट नहीं भरता, फिर भी माँ उसको पकाती रहती और मैं बोलती, माँ खाना कब बनेगा? और माँ बोलती, बस अब बनने ही वाला है, खाना अब बनेगा। मैं इंतजार करती सो जाती और फिर माँ उन चावलों को पकाना बंद कर देती क्योंकि मेरी माँ मजबूर थी। अपने मुंह से वो मुझे ये नहीं बोलना चाहती थी कि आज खाने को कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि अपना बर्थडे मनाना कैसा लगता है। यहाँ तक कि मुझे यह तक नहीं पता था कि दूसरे बच्चों की तरह खेलना कैसा लगता है क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने बचपन में अपनी बहन को संभाला। उसकी देखरेख में मेरा काफ़ी वक्त निकल जाता था। लोगों को गलत फहमी है कि गरीब लोगों को टेंशन नहीं होती। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता हर वक्त इतने टेंशन में रहते कि अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाए तो वो सुनते भी नहीं थे। वो अपने ख्यालों और सोच में इतना खो जाते कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ खबर ही नहीं रहती थी। ऐसा नहीं है कि गरीब को कुछ पता नहीं होता या वो बेवकूफ होते हैं। दरअसल हर वक्त खाने का इंतजाम करने की जिद्दोजहद गरीब को ऐसा बना देती है। अपनी ये कहानी लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल गए। चाहे मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता लेकिन मेरी किसी से शिकायत नहीं और ना ही मैं अपने माँ बाप को इसके लिए कोसती हूँ। बहुत ज़्यादा गरीब होना या तो प्रोत्साहन का काम करता है ताकि हम उस स्थिति से किसी तरह उभर सके, और या तो गरीबी इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये तो उस इंसान को तय करना है कि वो क्या चाहता है। अगर एक गरीब इंसान जिंदगी से हार मान ले तो फिर वो कभी उठ नहीं सकता। मैंने कभी हार नहीं मानी और जिंदगी को एक चुनौती की तरह देखा। गरीबी से बाहर आना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ लेकिन जब भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो आंखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी दुख मुसीबतें और गरीबी क्यों ना आए, हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कार्टून कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।